लग गई है कि दरअसल कंपनी फंड रेज करेगी। अब बोर्ड ने 500 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी दे दी है, जिसमें 250 करोड़ इक्विटी शेयर होंगे और 250 करोड़ वारंट के जरिए कंपनी रेज करने वाली है। वारंट का इशू प्राइस दरअसल तय किया गया है 1440 रुपीज प्रति शेयर, और 2000 करोड़ का QIP लॉन्च करने का भी कंपनी ने ऐलान किया है। 1433 के आसपास ये प्राइसिंग होगी QIP की। तो ये फिलहाल फंड रेज की प्रक्रिया इन्होंने अनाउंस कर दी है। अब आइए नतीजों पर। न्यू इंडिया अश्योरेंस मिक्स बैग है। नेट प्रीमियम अर्न्ड में इजाफा देखने को मिला है, 6,992 करोड़ का आंकड़ा। टोटल इनकम में बढ़त है, 7,068 करोड़ से बढ़कर 8,600 करोड़ पर आया है आंकड़ा, लेकिन अंडर राइटिंग लॉस दरअसल बढ़ गया है, ये एक नेगेटिव है। तो अंडर राइटिंग लॉस दरअसल 1,739 करोड़ के आसपास आया, तो मिलीजुली तिमाही प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे इजाफा देखने को मिला है। दूसरी तरफ यूनियन बैंक के नतीजे अच्छे हैं, घाटे से मुनाफे में आया है बैंक। तो प्रॉफिट का आंकड़ा सबसे पहले आप जहन में रखिएगा, 1,330 करोड़ का प्रॉफिट, लॉस था पिछली बारी 7,156 करोड़ के आसपास का। ब्याज से आय करीब करीब 9% बड़ी है, उम्मीद से थोड़ी सी फीकी, 5,400 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में दबाव देखने को मिला है, यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार जरूर आया है। मिसेस बेक्टा हाल ही की लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा, रेवेन्यू 15% ऊपर तो प्रॉफिट में 40% तक का इजाफा दर्ज हुआ। तो नतीजों के लिहाज से और फंड रेज के लिहाज से ये बड़ी खबरें हैं आज के लिए। चलिए काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक।